सभी किसानों आयो नमस्कार, राम राम। मैं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेती बाड़ी के नेटवर्क। किसान भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आया हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वो बोरवेल से संबंधित है। बोर लगाने से पहले हम पानी का पता कैसे करें? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। क्या सच्चाई है कि हमको जो है बोरवेल लगाने से पहले पानी का पता चल जाता है या नहीं चलता है? ऐसी कौन सी विधि है और क्या हकीकत है और क्या झूठ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारे किसान भाई क्या होते हैं, भोले वाले किसान भाई होते हैं, वो जो है 3-4 लाख रुपए लगाने से पहले उनको डर लगता है कि हमारा पानी लगेगा या नहीं लगेगा, एक बार हम चेक करवा लेते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूँ और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मेरे किसान भाइयों की मदद हो सके। और कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी समस्या आए, मुझे कमेंट करके बताएं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे बातचीत कीजिए, जानकारी लीजिए। यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको आज सच और झूठ का पूरा खुलासा कर दूँगा, पानी बोरवेल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ खुलासा कर दूँगा स्टेप बाय स्टेप। आज तक आपने देखा होगा YouTube पे बहुत सारी लोग वीडियो बना रहे हैं और वो आज ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ट्रेंडिंग में चलने का कारण ये है कि हमारे किसान भाई कौन सा पॉइंट देखेंगे, बस यही देखना चाहते हैं कि हमारी जो सिंचाई अच्छे से हो जाए, हमें पानी मिल जाए, हमारे 3 से 4 लाख रुपए जो है वेस्टेज ना जाए। तो मेरे किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप खुलासा करने वाला हूँ। ये जो 4-5 विधि 6-7 विधि जो हमारे किसान भाइयों का जो पैसा वेस्ट होता है बोर लगाने से पहले, वो अब नहीं होगा यदि आप मुझे फॉलो करोगे और मेरी जानकारी को सही तरीके से समझोगे। आप सभी को पता है, पहले भी मैं जो है बोरवेल से संबंधित वीडियो डाल चुका हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं हर एक परेशानी को किसान की को समझ सकता हूँ। हमारा खुद का 25 साल से बोरवेल का बिजनेस है मेरे किसान भाइयों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे बहुत सारी विधि ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम पानी खोजना चाहते हैं। पहली बात, एक तो हमारी सबसे पहली विधि होती है नारियल वाली। हम नारियल को लेके चलते हैं किसान भाइयों, नारियल को लेके चलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारा हाथ कहीं ना कहीं तो हिलेगा और हिलेगा तो वो नारियल गिरेगा, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। दूसरी विधि ये आती है कि एक लोटा लेते हैं और लोटे में हम चावल भर लेते हैं या पानी भर लेते हैं, कुछ नारियल वगैरह नीचे लटका लेते हैं तो हम चलेंगे तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं तो हिलेगा, इतना तो हम उसको जो है रोक नहीं पाएंगे तो वो भी गिरेगा। तो ऐसी बात नहीं है मेरे किसान भाइयों कि वो बस ओनली पानी की वजह से गिर रहा है। क्या उसको इतना पता चल गया कि पानी यहाँ पे पानी है? ज़मीन के अंदर 300, 350, 400, 800, 1000 फुट पानी गहराई में है, तो क्या उस चावलों ने और वो जो हमारी तांबे की लोटिया है उससे पता चल गया हमारे किसान भाइयों को? ऐसा नहीं है किसान भाइयों। कोई ग्लोए की डंडी छड़ी बताता है, कोई कुछ बताता है, यूट्यूबर बहुत सारी वीडियो अपनी वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई आपको नहीं पता है। आज आप मुझे ये बताइए, पहला मैं आपसे सवाल करूंगा और मैं उस सवाल का जवाब आपको दूंगा कि मेरे किसान भाइयों, हम लोग मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बाजार में बहुत नज़दीक नज़दीक ट्यूबवेल होते हैं ना, आप सभी को पता है। तो वहाँ पर घर भी होते हैं पास पास में और ट्यूबवेल ओनली 10-10 फीट के जो है डिस्टेंस पे होते हैं। तो यदि हमारी धरती माता के अंदर पानी नहीं है तो वो क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है वो क्यों लग रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। दोस्तों, वो कारण ये है कि हमारी धरती माता में पानी सभी जगह पे है। कहीं पे हमें स्रोत अच्छा मिल जाता है, कहीं पे हमें जो है पानी की आवक वाला कम आवक वाला स्रोत मिल जाता है, कहीं पे पानी की आवक ज़्यादा होती है। ओनली जो ये फ़र्क होता है ना, ये होता है स्रोत के ऊपर कि आपको स्रोत कैसा मिला, और वो डिपेंड करता है हमारे नसीब पर। हमारा नसीब अच्छा है तो हमें ये मिल जाएगा पानी। पानी सभी जगह, आप कहीं भी लगा के देख लीजिए, मेरी गारंटी है आपका बोरवेल नहीं लगे, चाहे सिंचाई के लिए काम में नहीं आए लेकिन घरेलू पानी तो देगा ही देगा।
अब उसका कारण क्या है, उसमें स्रोत अच्छा मिल गया तो हमें सिंचाई का बोर लग गया, और जो स्रोत हमें जो है अच्छा नहीं मिला, पानी तो मिला फिर भी स्रोत अच्छा नहीं मिला, पानी की उसमें कमी है, तो पानी तो मिला, कुछ तो मिला आपको, ऐसा तो नहीं पानी नहीं मिला। तो बस इतना ही डिफरेंट होता है, कहीं पर हमें अच्छे स्रोत मिल जाते हैं, कहीं पर अच्छे स्रोत नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको सच्चाई बता दी कि धरती माता में सभी जगह पर पानी है। अब बात करते हैं, हमारे जो भाई लोग ये नहीं जानेंगे, मैं जो बता रहा हूँ इसको फेक मानेंगे। दोस्तों अभी हम बहुत सारी विधि जो है बताते हैं, लोग बताते हैं, मशीन से चेक करवाते हैं, आपको पता है कभी कि क्या धरती की ऊपर की सतह में पानी है क्या? आप बताइए मुझे, धरती की ऊपरी सतह में कभी भी पानी नहीं है। और आप मशीन लेके आओगे या कुछ भी आप टोना टोटका जो भी कुछ करोगे उनसे पता नहीं चलेगा, जब मशीन चलती है ना तब पता चलता है उसमें। कैसे? जमीन के अंदर बहुत सारी चट्टान आती हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक ये नहीं पता है कि आप जो है बोर लगा रहे हो कि इसमें जो है कितनी परत आएंगी, कम से कम नहीं हज़ारों परत आती हैं। कहीं कंकड़ आता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं पर बजरी आती है, कहीं पर रेती आती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी आती है, कहीं पर इतनी हार्ड मिट्टी आती है कि वो कटने में 8-10 घंटे का टाइम ले लेती है। तो दोस्तों ये परत होती है इसमें, और हम मशीन वगैरह जो लगवाते हैं, टोना टोटका करते हैं, वो बस ऊपरी सतह पर ही आपको बता सकती हैं। और मुझे आप बस इतना बता दीजिए, ऊपरी सतह में पानी है तो आप मुझे गलत समझिएगा, और यदि ऊपरी सतह में पानी नहीं है और ज़मीन के अंदर ही पानी है तो आप मुझे सही समझिए। तो दोस्तों ये सारी भ्रांति हैं, मैं किसी किसान भाई से ये नहीं कहूँगा कि आप जो इन विधियों को अपनाएं नहीं, खूब अपनाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा वही जो हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में, हमें जो किस्मत से मिलेगा वही मिलेगा। दोस्तों सब ये भ्रांति हैं, आप कभी अंदर ज़मीन के अंदर जाके देख के आए हो क्या? वो तो जो हमारा मशीन का बर्मा चलता है वही देख के आता है क्या है। आप इसके बारे में मशीन वाले से राय लीजिए कि हम पानी लगवा रहे हैं उससे पहले हम पानी दिखवाएं या नहीं दिखवाएं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बोरवेल लगा रहे हैं, आज तक हमने कभी किसी का जो है किसान भाई का वेस्टेज पैसा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हमको पता है ज़मीन में कहीं भी आप बोरवेल लगा लीजिए, बोरवेल आपका लगेगा। और इन चट्टानों में भीतर ज़मीन के अंदर इतनी चट्टान आती है, हम मशीन चलाते हैं तब पता चलता है हमें, तो इन चट्टानों में पानी है या नहीं हम बताते हैं उस चीज़ को, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप बोरवेल वाले मशीन वालों से पूछिए इस चीज़ को, ज़मीन के अंदर आपको पानी 100% मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले मिलेगा ज़रूर। वो ओनली कमी बस यही है कि वहाँ पर स्रोत का फ़र्क है, कहीं पर तो आपको स्रोत अच्छा मिल जाएगा, कहीं पर आपको जो है कम पानी वाला स्रोत मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंट है मेरे किसान भाइयों, आज तक मैं सोच ही रहा था इस चीज़ के बारे में कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो आज मैंने मेरे पिताजी का भी अनुभव लिया, उनसे बातचीत की, मैं वीडियो में उनको सामने नहीं ला सकता, आज से नहीं 20-25 साल से काम कर रहे हैं, मैं भी साथ में काम करता हूँ, कई वीडियो में डाल चुका हूँ मशीन पैसे भी आपके लिए, कई मेरी वीडियो ऐसी हैं जहाँ जो वीडियो मैंने मशीन पैसे डाली हैं खुद। तो मेरे किसान भाइयों आपके पास में पैसा फालतू नहीं है, कोई पानी चेक मत करवाइए, आप बेझिझक होके आप अपने किस्मत को जो आजमाइए, आपको भगवान की दया से पानी चाहे अच्छा ना मिले कम मिलेगा, और हो सकता है आपको अच्छा भी मिल जाए। तो मेरे किसान भाइयों मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, और आपको मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो जो है बोरवेल से संबंधित इस चैनल के माध्यम से लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।